ही मुतालबा है कि हमारे घर के छोटों को जलाया जाए। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि एक सहूलत आपने यूटिलिटी हमारा सहूलत दिया हुआ है गैस का, जिसका हक भी हमारे सभी डिवीजन का सबसे पहले बनता है जहाँ से गैस निकल रहा है। आप इस इलाके के लोगों के चूल्हों को बुझा के आप क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या कहलाना चाहते हैं, ये हमारी समझ से बाला कर रहे हैं। एक ऑफिसर उसकी गुंडागर्दी है, एक ऑफिसर वो नहीं चाहता कि सिंधी के लोगों को ये सहूलत मैसर। हम आखिर में वक्त से भी मुतालबा करते हैं, सूबाई हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, बाकी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुंडा ऑफिसरों को, ऐसे अफसरान को फिल और तबादला की जाए। ऐसे नहीं को नहीं कि अवाम जो है एहतजाज में चले आए और अवाम जो है गलत रास्ता अपनाएं। तो एहतजाज करना अवाम का हक है, अवाम को ये हक दिया जाए। हम तो मैं बहसीत हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट, हम इस चीज़ को हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, हम शायद हो सकता है हाई कोर्ट में भी हड़ताल करें। आज 16 दिन है भूख हड़ताल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है प्रेस क्लब सभी के साथ। अब हमारी इस सूबे की रियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक करप्ट ऑफिसर जिसने सालों से यहाँ पे सिबी में गैस प्रेशर का मसला पैदा किया था, अब गैस प्रेशर का मसला पूरे सूबे में है लेकिन सिबी में गैस प्रेशर का मसला जो है ना वो पैदा किया गया था। जब प्रोटेस्ट हुआ गैस प्रेशर का मसला 7 घंटों में क्यों हल हुआ, उसकी वजह ये थी कि 35 की जो गैस पॉइंट होते हैं वो सिबी को मंजूर हुए थे लेकिन उसमें 10 पॉइंट दे रहा था, इससे ऊपर जो पॉइंट्स होते वो सीएनजी स्टेशन पे बेचे जा रहे थे। अब हमारी डिमांड ये है कि 50 पॉइंट्स सीबी को दिए जाएं ताकि हमारे सीबी में जो इतराफ के ब्यात है वहां तक भी गैस प्रेशर का मसला हल हो सके। अब हमारी डिमांड ये है कि इस बलूचिस्तान में सूबे में बहुत सारे और भी गैस ऑफिसर हैं जो ईमानदार है, उन्हें तानियत किया जाए लेकिन इस करप्ट इंसान को बचाने के लिए पूरी उनकी जो इंतजामिया है वो लगी हुई है। हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि जुमेरात के दिन पूरे सिबी शहर ब्लॉक होगा, अगर उसके बाद भी हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता है तो हम पूरे सिबी के शहर बाजार रोड बंद करेंगे, फिर नहीं माना जाता है नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेंगे। हमारी हड़ताल को आज 16वां दिन है और 16 दिन के बावजूद कोई भी पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ रही है। ये मसला सिर्फ हम चंद पार्टियों का या समाजी और सियासी पार्टियों का नहीं बल्कि पूरी सिबी का है, हर एक घर का है, लेकिन अफसोस के यहाँ पर किसी को भी होश नहीं आ रहा है। एक करप्ट ऑफिसर जो अपनी सीट पर बैठा हुआ है उसने अपना जो है तसलसल वही बरकरार रखा हुआ है, गैस के प्रेशर में कोई भी बेहतरी नहीं आई है, सिबी की आवाम वही दरपदर है। 16वें दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इंशाल्लाह ताला ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, हमने अपने सख्त लाए अमल का ऐलान कर दिया है। जुमेरात को इंशाल्लाह ताला हमारी शटर डाउन हड़ताल है जिसके लिए हम अंजुमन ताजरान और सिबी की आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि वो इसमें हमारे साथ भरपूर तआवुन करें, जिस तरह पिछले दिनों में उन्होंने हमारी इस तहरीक में हमारे साथ तआवुन किया है। इंशाल्लाह ताला इस करप्ट बंदे को और हम सिबी के गैस को इंशाल्लाह ताला प्रेशर को बरकरार बहाल करके इंशाल्लाह ताला यहाँ से उठेंगे। हम इस चीज़ पर हैरान है कि ये गैस इंतजामिया क्या चाहती है, गैस तो वैसे नहीं दे रहे थे, फिर वो एक खुश करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर जो है बढ़ाकर हमें खुश किया, लेकिन कल से फिर जो है गैस में इन्होंने कमी कर दी है और हम ये हैरान हैं कि ये हुकूमत हमें कहाँ ले जाना चाहती है, हमसे क्या करवाना चाहती है जानबूझ के। ये इनके हथकंडे कारामत साबित नहीं होंगे और हम इंशाल्लाह आगे अपना जो लायामल है वो बहुत सख्त करेंगे। इनकी एफआईआरों से, इनके गिरफ्तारियों से हम नहीं डरेंगे और ये सिबी के हकूक पर जो डाका डाल रहा है ये जोनल मैनेजर अपना खालिद नामी ऑफिसर, हमारा मुतालबा ये है कि इसको फिलफोर सिबी से ट्रांसफ़र किया जाए, गैस का प्रेशर उसको मुस्तकिल किया जाए ताकि इसको फिर जो है कोई ऑफिसर इसको कम न कर सके। सिबी के अवाम को 10 बस्ता अपील करता हूँ कि ये अवामी मसला है, हमारे साथ है। जुमेरात को इंशाल्लाह शटर डाउन हड़ताल होगा, इसके ताजर वाले से भी अपील करते हैं हमारे साथ भरपूर तआवुन करें और अपना बाशऊर शहरी होने का सबूत है।